हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए आज का जो सेट रहेगा आपका 4 जनवरी 2022 का रहेगा साथियों, वो भी आपका हिंदी का सेट रहेगा। किसका रहेगा साथियों? आपका हिंदी पेटागोजी का रहेगा साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 बनाए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से जरूर कीजिए। चलिए, एक क्वेश्चन में बोला गया आपका, कक्षा 8 की एक अध्यापिका विद्यार्थियों को पाँच पाँच के समूह बनाती है और आंकड़े का विश्लेषण और रिपोर्ट निकालने के लिए रिपोर्ट लेखन का कार्य सहयोगात्मक रूप से करने का समूह कार्य देती है। इस गतिविधि को क्या कहेंगे साथियों? इस गतिविधि को हम लोग परियोजना कार्य कहेंगे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है साथियों? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भाषा शिक्षा और भाषा अधिगम को किस रूप में वर्णित करती है साथियों? तो आप लोग जानते हैं कौन सा रूप में वर्णित करेगा, तो आपका दो नंबर से हो जाएगा भाषावाद और भाषा की सत्ता हो जाएगा साथियों। सही बात है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित कौन सा भाषा के आकलन हेतु प्रासंगिक नहीं हो सकता है? तो भाषा के आकलन हेतु प्रासंगिक नहीं हो सकता है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि एक वृक्ष की आत्मकथा भाषा के लिए प्रासंगिक नहीं हो सकता है। बाकी बात सब सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है, इसमें भी वही है कि भाषा अधिगम के लिए कौन सा सामग्री प्रासंगिक नहीं हो सकता है? तो आपका जो नहीं होगा साथियों, आपका इसमें दिया हुआ देख सकते हैं, एक खिलौना यानी बंदर गुड़िया, ये नहीं होता है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। आगे में बोला गया है कि भाषा के बारे में कौन सा सही है साथियों? सही है बोल दिया है मेरा, सही है। तो आप लोग जानते हैं भाषा जो है साथियों, आपका एक भाषा की कई बोलियां होती है, बल्कि बोलियां भाषा नहीं होता, एक भाषा की कई बोलियां हो सकती है। यही बात आपका सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं, नेक्स्ट में बोला गया है, क्या बोला गया साथियों? तो नीचे कक्षा 8 के शिक्षार्थियों के लिए प्रदत्त कार्य का उल्लेख है, किस तरह के लेखन करेंगे साथियों? सबसे पहले है कि जोड़े को बैठाकर चर्चा करें, मुख्य बिंदु को लिख लें और विषय के पक्ष और विपक्ष भी दोनों तर्क देते हुए एक अच्छा लेख तैयार करें। उसके बाद विश्व के सभी देशों के जलवायु परिवर्तन प्रभावित कर रहा है, यह विषय क्या हो सकता है साथियों? तो आपका जो होगा तर्कमूलक हो जाएगा साथियों। ये जो चर्चा आप लोग करा रहे हैं, डिबेट करा रहे हैं, आपका हो जाएगा तर्कमूलक हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है क्या है, एक अध्यापक अपनी कक्षा में 10 वाक्यों के अनुच्छेद का श्रुतलेख करवाती है, अनुच्छेद को दो बार पढ़ती है और अपने शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है और सुनकर उसी अनुच्छेद को लिखने के लिए कहती है। शिक्षार्थी को अनुच्छेद हूबहू नहीं लिखना है, उन्हें अनुच्छेद का सार या मुख्य बिंदु ग्रहण करना है। तो अध्यापक यहाँ पर श्रवण शिक्षण की कौन सी युक्ति अपना रहा है साथियों? तो श्रवण जो यहाँ पे अपना रहा है साथियों, आपका हो जाएगा शीर्ष पाद उपागम, टॉप डाउन जिसको बोलते हैं साथियों, यहाँ तक आया फिर डाउन चल गया साथियों, इसी को हम लोग शीर्ष पाद उपागम करते साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है क्या बोला गया है, तो रोही 9 बजे समाचार प्रतिदिन सुनता है और अपने कुछ मित्रों के साथ कुछ खबरें साझा करता है। इस प्रकार के श्रवण को क्या कहेंगे साथियों? साझा कर रहा है, इस प्रकार के श्रवण को कहेंगे साथियों, आपका विस्तृत क्या कहेंगे साथियों? इस प्रकार के श्रवण को विस्तार नहीं साथियों, आपका हो जाएगा गहनात्मक श्रवण। क्या होगा? गहनात्मक श्रवण कहेंगे साथियों।
देख सकते हैं साथियों, इस प्रकार की जो खबर होता है साथियों, आपका विस्तार हो जाता है, विस्तृत विस्तृत श्रवण होता है। क्या होता है साथियों? विस्तृत श्रवण होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पूछते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, लिंदो किसी पाठ सामग्री या बोले गए कथन के कुछ शब्दों की पहचान करें, कुछ शब्दों की पहचान कर लेती है परंतु स्वयं से उनका प्रयोग नहीं कर पाती है। तो जान रहे हैं आपको, निष्क्रिय नहीं कर पाती है तो निष्क्रिय शब्द संपदा हो जाएगा साथियों, अगर कर पाती है तो सक्रिय हो जाता है, नहीं कर पा रही है तो निष्क्रिय शब्द संपदा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। आगे में देखिए बोला गया है व्याकरण के बारे में, क्या साथियों? व्याकरण के शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा तर्क आदर्श है व्याकरण के बारे में साथियों? तो आपका जो व्याकरण के बारे में हो जाएगा कौन सा हो जाएगा साथियों, तो आप लोग देख सकते हैं बढ़िया से, आपका फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। बोला गया है सहज भाषा क्या है? सहज भाव से चल रहे विमर्श को व्याकरणिक नियमों को प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों को उन्हें पहचानने का अवसर देना, आपका फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है शब्द भंडार और भाषा के अन्य पहलुओं के शिक्षण अधिगम के लिए अध्यापक द्वारा प्रयोग में लाई जा रही सामग्री और वस्तुओं को किस रूप में जानेंगे साथियों? तो हम लोग वस्तुओं को जानेंगे साथियों, वास्तविक वस्तु क्या है साथियों? आपका वास्तविक वस्तु हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है एक अध्यापक समाचार पत्र से एक गद्य खंड का चयन करती है और उनमें प्रत्येक पाँच शब्द को हटा देती है। जैसे यहाँ देखिए हटा देती है, यहाँ लिख दिया, आप लोग कुछ नहीं करिएगा, आप लोग चल जाइएगा क्लोज परीक्षण यानी क्लोज कार्य यानी क्लोज टेस्टिंग में चल जाना साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एक अध्यापक ने अपने शिक्षार्थियों को दो पहेली सुनाई और जोड़े में बैठाकर समाधान खोजने के लिए कहा। एक को कहा कि वह जो भी सोच रही है उन्हें बोलकर पहेली को हल निकाले और दूसरी पहेली का हल इसी तरीके से ढूंढना है। इस गतिविधि को क्या कहेंगे साथियों? इस गतिविधि को हम लोग कहेंगे सोच कर लिया गया संलेख कहेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया एक शिक्षार्थी कक्षा में अपने अध्यापक की बात को ध्यानपूर्वक सुनती है और अगले दिन प्रदत्त कार्य पूरा करने के लिए अध्यापक की बातों को मुख्य बिंदु लिखती भी है। इस प्रकार के श्रवण को क्या कहेंगे साथियों? तो इस प्रकार के श्रवण को हम लोग क्या कहेंगे? तो शब्दपाद मुखबिंदु लिखती है, सॉरी गहन पाठ क्या हो जाएगा साथियों? आपका गहन श्रवण हो जाएगा साथियों। इस तरह की पाठ को हम लोग गहन श्रवण कहेंगे साथियों, क्योंकि एक दिन सुन रहे हैं दूसरे दिन लिख रहे हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं और इस सेट का अंतिम सवाल है साथियों। बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा भाषा भारत के संविधान की अनुसूची में नहीं है साथियों? तो इसमें जो हो जाएगा आपका मिजो नहीं है साथियों, बाकी बात आपका उर्दू हिंदी और तमिल है साथियों, लेकिन आपका मिजो पूछा नहीं है तो आपका मिजो नहीं है।